हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ष किचन। आज मैं आपसे टोमेटो बेजिल सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये सूप को हमने फ्रेश पनीर और चीज़ से टॉपिंग किया है। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन, जिम पर्सन जो रहते हैं, ज़्यादा वॉक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट भी करते हैं, तो उसके लिए ये कैल्शियम आयरन रिच सूप होगा। और ये आप मिल्क की जगह भी इसको ले सकते हैं, स्टमक फीलिंग आएगी ये सूप से। कैल्शियम चीज़ और पनीर में बहुत ज़्यादा रहता है। और ये नेचुरल कलर है सूप का, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं है। इसको थिकन करने के लिए हमने इसमें कोई कॉर्नस्टार्च नहीं डाला है, और फिर भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और ये क्विक एंड ईजी सूप है, और विंटर में टमेटोस बहुत अच्छे आते हैं, तो सूप भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके लिए 8 से 10 पत्ते बेजिल के, 1 किलो टमाटर, 100 ग्राम पनीर, 1 क्यूब चीज़ का, 3 कली लहसुन की, गार्लिक, 8 से 10 ब्लैक पेपर, मरी, थोड़ी सी शक्कर और सॉल्ट, नमक स्वाद के अनुसार। पूरी रेसिपी मैंने नीचे लिखी हुई है। कुकर में टमाटर को हम 2 कप पानी डाल के 2 विसल तक बॉईल करेंगे। बाद में इसको ब्लेंडर करके छान लेंगे। ये बॉईल हो चुके हैं टमाटर, अभी इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये सूप को आपको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा। 10 मिनट में सूप रेडी हो जाएगा। अच्छे से छान ले इसको। अभी इसमें 7 से 8 पत्ते बेजिल के डाल के इसको वापस ब्लेंड करेंगे, ताकि बेजिल का फ्लेवर अच्छे से बैठ जाए और बेजिल काले भी नहीं पड़ेंगे ऐसे करेंगे आप तो। ये अच्छे से बेजिल मिक्स हो गए हैं इसमें। अभी एक पैन में ऑलिव ऑयल लेंगे 1 टीस्पून जितना, और तुरंत ही इसमें क्रश्ड गार्लिक डाल देंगे, लहसुन पिसा हुआ, और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए चलाएंगे स्लो गैस पे। बाद में इसमें 1-2 बेजिल के पत्ते हाथ से तोड़ के डालेंगे। बस यही इसका तड़का है। इसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा ऑलिव ऑयल का, बटर भी ले सकते हैं आप। जैन लोग लहसुन की जगह ऑरेगानो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अभी इसमें ब्लांच टोमेटो प्यूरी डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको बॉईल करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। शुगर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देंगे। ज़्यादा स्वीट नहीं करना है ये सूप को, 1 से 1.5 टेबल स्पून लेंगे हम लोग इसमें शुगर। नेचुरल स्वीटनेस के लिए आप इसमें थोड़ा सा गाजर और बीटरूट का एक टुकड़ा डालेंगे, तो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें चीज़ डाल देंगे और पनीर डालेंगे, और उसके बाद 2 मिनट तक ही बॉईल करना है इसको। बस ये सूप हमारा रेडी है। देखिए अच्छे से थिक भी हो गया है, ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इसको आप फ्रेश बेजिल और पनीर चीज़ के साथ सर्व करें, गर्मा गर्म सूप। ये 4 जन को सूप हो जाएगा, 1 किलो टमाटर का 4-पर्सन सर्विंग है ये। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, सी यू सून। सी द कलर ऑफ सूप एंड कंसिस्टेंसी, कितना परफेक्ट है कलर और कंसिस्टेंसी सूप का। बाय बाय।